बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का अमृतसर में आज होगा समापन। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। चुनाव आयोग की आटादाल और तीर्थ यात्रा स्कीम बंद करने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भड़की अकाली दल, दोनों पार्टी को बताया गरीब विरोधी, कहा चुनाव आयोग के सामने रखेंगे अपना पक्ष। जनरल ने किया कैप्टन के साथ जंग का ऐलान, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह को शिरोमणि अकाली दल ज्वाइन करते ही पटियाला से मिला टिकट। पंजाब के चुनावी दंगल में शुरू हुआ भड़काऊ भाषण का दौर, आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने अपनी रैलियों में दिए भड़काऊ भाषण। भगवंत मान के भड़काऊ भाषण पर विरोधी दल कर, आज अकाली दल चुनाव आयोग से करेगा लिखित शिकायत, सख्त कार्रवाई की मांग। नाभा जेल ब्रेक और फाजिलका जेल मीटिंग मामले के बाद एक्टिव हुआ चुनाव आयोग, फाजिलका में जांच रिपोर्ट के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की तैयारी, उच्च अधिकारियों से किया गया संपर्क। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक प्रस्ताव, कालेधन भ्रष्टाचार और आतंक के रास्ते को किया जाएगा बंद। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर नजर, कई अहम मुद्दों पर रख सकते हैं राय। चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव से विपक्ष की बजट पेश करने की तारीख टालने की याचिका पर मांगा जवाब, विपक्ष ने बजट से बीजेपी को चुनावी फायदा मिलने की बात कही थी। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के लिए भरा गया नामांकन, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर बीजेपी का जीतना लगभग तय, कांग्रेस ने भी उतारे उम्मीदवार। फरीदाबाद नगर निगम के लिए आज मतदान, 40 वार्ड के लिए 891 मतदान केंद्रों पर करीब 10 लाख मतदाता चुनेंगे अपना नेता, निगम में पहली बार ईवीएम पर नोटा का इस्तेमाल। पुलिस कमिश्नरी भंग होने के बाद अब अंबाला नगर निगम को भी भंग करवाने की सुगबुगाहट, 23 नगर परिषद बनवाने की मांग पर अड़े कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कांग्रेस ने जताई आपत्ति। सिरसा में शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी ने जमकर किया हंगामा, कई वाहनों के तोड़े शीशे तो लोगों से की मारपीट, सीसीटीवी में कैद की तस्वीर, आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड। गुरुग्राम के एक मंदिर में युवती ने खुद को लगाई आग, मौके पर मिले सुसाइड नोट में भगवान शिव को प्राप्त ना करना बताया वजह, जांच में जुटी पुलिस। शिमला के यूको बैंक से चोरी हुए 1 करोड़ में से 68 लाख रुपए बरामद, बैंक के पास ही पड़े थे पैसे, 26 दिसंबर को 1 करोड़ रुपए के पुराने नोटों से भरा ट्रंक हुआ था चोरी। चंडीगढ़ में वाहन चोर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार, 7 महंगी लग्जरी कार और कई कमर्शियल गाड़ियां जब्त, गैंग की बाकी लोगों की तलाश में जुटी पुलिस। आज बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का करेंगे औपचारिक उद्घाटन, 3 दिन तक चलने वाले समारोह में दुनिया भर से 6000 से ज्यादा प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। यूपी के इलाहाबाद में आज शुरू होगा आगाज 2017, देश भर से जुटेंगे लाखों व्यापारी, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए करेंगे विचार विमर्श। इलाहाबाद में वैश्य समाज के कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा होंगे मुख्य अतिथि, डॉक्टर चंद्रा से सीधे संवाद कर सकेंगे कारोबार। जम्मू कश्मीर के राजौरी के रहने वाले 8 साल के अबू अमास ने नेशनल लेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से अगले कुछ घंटे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों पर भारी एवलांच की आशंका, हिमाचल के चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में एवलांच का अलर्ट, कई हिस्सों से कटा संपर्क। शिमला में भारी बर्फबारी से बढ़ी ठंड, बर्फ की मोटी चादर से ढकी सड़कें, छोटा शिमला में बिजली के खंभों पर गिरे पेड़, सैलानियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के लिए मनाली रोहतांग रूट पर रेस्क्यू अभियान जारी, करीब 70 से ज्यादा सैलानियों को सुरक्षित लाया गया, भारी बर्फबारी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है अड़चनें।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर गुलमर्ग राजौरी में भारी बर्फबारी, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, राहत कार्य में जुटा प्रशासन। मैदानी इलाकों में देर रात से हुई भारी बारिश से बढ़ी ठिठुरन, चंडीगढ़ में बारिश के साथ पड़े हुए। सरकार ने इनकम टैक्स से जुड़ा नया नियम किया लागू, फिक्स डिपॉजिट बचत खाते को छोड़कर सभी खातों में 28 फरवरी तक पैन नंबर या फॉर्म 60 देना जरूरी।